मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बरतली चौक पर हिंसा प्रभावित स्थानों दुकानों का किया निरीक्षण। सीएम ने कहा कि नूह हिंसा निंदनीय, इसे भुलाया जाना ही सबके हित में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को नूह जिला के बरतली चौक पर पहुंचकर 31 जुलाई को हुई हिंसा वाली जगहों व दुकानों का निरीक्षण किया और इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को भुलाया जाना ही सबके हित में है। मुख्यमंत्री ने हिंसा से प्रभावित बरतली चौक के निवासियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। जिला प्रशासन द्वारा हिंसा से प्रभावित स्थानों दुकानों व सामान आदि सही अपने को पता है कि 31 जुलाई का इसको हादसा ही कहूंगा, 31 जुलाई का यह हादसा बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि निंदा योग्य है। इसको जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, ये नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन कुछ कई बार अपने हाथ में चीजें नहीं होती, कई जो एक्सीडेंट दुर्घटना ऐसी हो जाती है, दुर्घटना हो जाए तो उसको कितनी जल्दी उन चीजों को ठीक किया जा सकता है और कितना जल्दी उसको भुलाया जा सकता है। कहते हैं कि टाइम के हिसाब से चीजें भूलती हैं। शायद 31 जुलाई को यह घटना हुई तो मैं यहां आता तो पता नहीं उस समय लोगों का बावेला दिमाग में पता नहीं क्या क्या होता। मैंने भी थोड़ा सा इसको जानबूझ के लेट किया। आज 31 जुलाई के बाद आज अक्टूबर की 21 तारीख हो गई, मान के चलो के ढाई महीने पौने तीन महीने हो गए। इस दौरान हमने कोशिश की कि जिस दिन का नुकसान हुआ है उनकी सबकी लिस्टें बन जाए, सबका सर्वे हो जाए। डीसी साहब ने अपनी कमेटी बनाई थी, उसमें सर्वे किया था। कुछ तो जिनके बहुत छोटे नुकसान थे, हमने जो सर्वे हुआ सारे का सारा भेज दिया था। लेकिन सिस्टम होता सरकार का, किसी को कम ना रह जाए और भाई किसी को नुकसान हुआ उससे ज्यादा भी ना मिले, क्योंकि नुकसान वाला भी ज्यादा लेने का हकदार भी नहीं होता। गलत अगर रिपोर्टिंग करेगा तो लोग उसको गालियां देंगे कि भी क्या इंतजार कर रहे थे नुकसान होने का। तो इसलिए जायज जायज सबका मुआवजा मिल जाए, इसके लिए कमेटी वहां भी, एक कमेटी हमारे FCR साहब ने बनाई थी, उन सबका भी सर्वे हुआ। तो ऐसे सर्वे के माध्यम से इन्होंने बैठ करके जो लिस्ट बनाई थी, जो हमने कमेटी के सपोर्ट किए बाद में लास्ट में, वो तो भी बाकी है ना, भेज दिए लेकिन अभी उनका नहीं आया। वो कितना है? नहीं नहीं, उसमें कितने लोग थे? वो नौ का भी आ गया। अब कोई गाड़ियों को छोड़ करके और नहीं बचा, और नहीं बचा थे। तो यहां से लगभग ये 65-70 के आसपास केस थे, उसमें से सिर्फ गाड़ियों के कुछ केस बाकी बचे हैं, वो शायद इनसे अलग है। तो गाड़ियों वाला, चूंकि कुछ गाड़ियां यहाँ की थी और ज्यादातर गाड़ियां बाहर के लोगों की थी, जो गाड़ियों में बाहर से आए थे उनकी गाड़ियां फूक गई। अब उनमें कईयों के इंश्योरेंस है, कईयों के नहीं है। कुछ के इंश्योरेंस थे लेकिन उस दिन वो एक्सपायर हो गए थे। उनको कई बार होता है चलो आज करा लेंगे, 10 दिन बाद करा लेंगे, जो पता थोड़ी होता है कि ये घटना होने वाली। तो ऐसे सबके जिनको इंश्योरेंस से मिलेंगे वो तो ठीक, जिसको नहीं मिलेंगे उनको सरकार देगी। ये बात आप लोगों से आश्वासन है मेरा दावा। और जिन जिन को मिल गया है उनका भी हमने पूरा ध्यान रखा है, जितना नुकसान हुआ है। अब बिल्कुल एकदम आना पाई तो मैं नहीं कह सकता बार बराबर हुआ होगा, लेकिन उसके आसपास मिल जाए वो मिला। फिर भी मुझे आज बता रहे हैं कि बरतली चौक पर जितने लोगों का मुआवजा आया है उसमें कुछ 2-4-5 और शायद रह गए जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की होगी, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की हो गई। चलिए अगर रिपोर्ट हो गई है तो डीसी साहब को मैं कहता हूँ वो सब जो बाकी रहे हैं कमेटी के माध्यम से उसका भी सर्वे करा के फाइनल करें।